रघुवर सरकार झारखंड में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए 17 साल बाद माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। इसका मकसद शिल्पकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। हर हाथ को काम मिले, इसी मकसद के साथ रघुवर सरकार काम कर रही है। इसके लिए लोहरदगा में माटी शिल्पकारों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के अलावा और भी कई राज्यों के शिल्पकारों ने इलेक्ट्रॉनिक चाक पर मिट्टी की जादूगरी दिखाई। मिट्टी के आभूषण और बर्तन को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। इस प्रदर्शनी का मकसद विलुप्त हो रहे माटी कला को पुनर्जीवित करने और शिल्पकारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। ये सरकार के आने के बाद पहली बार यहाँ माटी कला बोर्ड का गठन हुआ और सरकार का पहल है कि हमारा समाज उन्नति करेगा। नया नया आधुनिक तकनीक से मिट्टी के काम पे वो किया जा रहा है, वो सिखाया जा रहा है, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसलिए ये सरकार बहुत ही अच्छी तरह से कुम्हार समाज की ओर ध्यान दिया है। रोजगार से जोड़ने के लिए एक पहल किए हैं, एक अच्छा कदम उठाए हैं, जिससे हमारा कुम्हार स्वजाति अपना रोजगार चला के, आधुनिक रोजगार चला के और अपना अर्थव्यवस्था सुधार करे और अपना परिवार अच्छा से चला सके। दरअसल प्लास्टिक के सामान ने मिट्टी के बर्तनों को बाजार से बाहर कर दिया है। सिर्फ पर्व त्योहार में ही मिट्टी के सामानों की मांग होती है और फिर उसके बाद शिल्पकार बेरोजगार हो जाते हैं, दूसरे काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं। ऐसे में रघुवर सरकार ने माटी कला बोर्ड के जरिए शिल्पकारों को स्वरोजगार से जोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए पहले उन्हें हुनरमंद बनाया जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चाक के साथ साथ बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। मिट्टी कला बोर्ड का जो अभी सरकार ले रही है, इससे हम लोग छोटे छोटे पहले जो बनाते थे चाक में, मिट्टी का चाक में, अभी इलेक्ट्रिक का चाक मिल रहा है, उससे हम लोग का हर परिवार का सुखी संपन्न होने का ये रास्ता है। प्लास्टिक कप की जगह कुल्हड़ को रघुवर सरकार प्रमोट करेगी, साथ ही करीब 700 कारीगरों को तकनीकी मशीन भी उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे माटी कला से जुड़े लोग आधुनिक बाजार में पिछड़े नहीं और परंपरागत व्यवसाय को एक नया जीवन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।